You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जो बात करेंगे वो है टीचिंग लर्निंग मेथड्स। तो भैया आप लोग सोचोगे कि यहां तो मैक्सिमम स्टूडेंट ही जुड़े हुए हैं इस चैनल पे, तो आप टीचिंग मेथड की बात क्यों कर रहे हैं। तो आपने अच्छे से सुना हो अगर मैंने बोला है टीचिंग लर्निंग मेथड। अगर यहाँ पे टीचर्स जुड़े हुए हैं तो उनको कहाँ काम आएगी कि पढ़ाने में काम आएंगी वो मेथड्स। अगर यहाँ पे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि कौन सी टीचिंग मेथड से हमें लर्निंग बेस्ट हो सकती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा वीडियो होगा लेकिन आपको बहुत काम आ सकता है। देखिए हम यहाँ पे वैसे तो बहुत सारी टीचिंग लर्निंग मेथड्स होती हैं, लेकिन नॉर्मली जो टीचिंग लर्निंग मेथड्स की हम बात करते हैं वो तीन चार टाइप की टीचिंग लर्निंग मेथड की यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लेक्चर मेथड। देखिए लेक्चर मेथड की जब हम बात करते हैं तो दो टाइप की लेक्चर मेथड हो जाती हैं। एक हो जाता है वन वे कम्युनिकेशन वाली लेक्चर मेथड और एक हो जाती है टू वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन लेक्चर मेथड की अगर हम बात करें तो वो किस टाइप की होती है कि एक प्रोफेसर आया और उसने बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वो पढ़ाता गया, नो क्वेश्चन आंसर, नो डिस्कशन और पढ़ा के वो चला गया। ये जो मेथड होती है, ये मेथड में जो आप बोलो कि जो सीखने की लर्निंग की कैपेसिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो पाया स्टूडेंट से। आप आए और आपने पढ़ाया और पढ़ा के चले गए। दूसरी चीज इस मेथड में, एक और चीज बात करें अगर हम लेक्चर मेथड में ही, कि एक और चीज ये हो जाती है कि भाई आए, पढ़ाया, सामने वाले से पूछते गए आपको समझ में आया या नहीं आया, और अगर आया तो आगे बढ़े, नहीं आया तो फिर से समझाया। तो लेक्चर मेथड ही अगर आप पढ़ा रहे हैं तो लेक्चर मेथड में ये इम्प्रूवमेंट जरूर डालें कि आप सामने वाले से पूछते जरूर जाएं कि भाई आपको ये चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो आप अच्छे से समझाएं। साथ ही साथ टीचिंग में एक विशेष ध्यान दें, मैंने देखा है आप लोगों ने भी फील किया होगा, स्टूडेंट ने भी फील किया होगा, टीचर्स ने भी फील किया होगा कि जब हम पढ़ाते हैं तो कई बार हमारी नज़र जो है वो फ्रीज हो जाती है। जानबूझ के फ्रीज नहीं होती, हमें पता ही नहीं चलता है, और हम पढ़ाते पढ़ाते एक किसी स्टूडेंट पे फोकस करते रहते हैं और बोलते जाते हैं। तो ये चीज़ को आपको ब्रेक करना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों को उतना समझ में नहीं आता है, आप एक जगह फोकस नहीं कर सकते, आपकी जो नज़र है वो कंटिन्यूसली रनिंग कंडीशन में रहनी चाहिए, लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक, फ्रंट से लेके बैक तक हर जगह जानी चाहिए। ये लेक्चर मेथड में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि लेक्चर मेथड उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है। तो अब हम बात करें फिर सेकंड मेथड की, सेकंड टीचिंग मेथड कौन सी हो सकती है। तो सेकंड मेथड की अगर हम बात करें तो वो होती है क्वेश्चन आंसर मेथड एंड डिस्कशन। इसी में डिस्कशन भी हम मिक्स कर देते हैं, हालांकि ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इसको अगर हम मर्ज कर दें तो थोड़ा और बेटर मेथड बन जाएगी, क्वेश्चन आंसर एंड डिस्कशन मेथड। कैसे होती है ये इस टाइप से होती है कि मान लीजिए हमने, अब देखिए क्वेश्चन आंसर पहले मैं अलग समझा दूं, क्वेश्चन आंसर मेथड कैसे हो सकती है। क्वेश्चन आंसर मेथड ऐसे हो सकती है कि आपने एक लेक्चर पढ़ाया, लेक्चर कंप्लीट हुआ और उससे रिलेटेड आपने बच्चों से क्वेश्चन पूछे और उन्होंने आंसर बताए, और उन क्वेश्चंस के जो आंसर वो बता रहे हैं उन पे आपने फीडबैक दिया कि आपने क्या सही बताया है, क्या गलत बताया है, और जो उनकी गलती है उनको सुधार किया आपने। दूसरा आपका क्वेश्चन आंसर मेथड ये भी हो सकता है कि आप लेक्चर दो और उनको क्वेश्चंस करने के लिए दे दो कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करके लाना है घर से, तो ये भी क्वेश्चन आंसर मेथड हो सकती है। डिस्कशन मेथड किस टाइप की होती है? डिस्कशन मेथड ऐसे होती है कि आपने कोई प्रॉब्लम, मान लीजिए आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं, आपने कोई प्रॉब्लम बोर्ड पे लिखी और हर स्टेप पे आप बच्चे से पूछते जाइए, हर बच्चे से एक एक करके कि इसके बाद क्या होना चाहिए। वहां से आंसर आएगा, हो सकता है गलत आए, आप अगर वो गलत देता है तो आप उससे बोलिए कि कैसे ऐसा करने से होगा क्या, आप उसे गलत अप्रोच पे आगे बढ़ाइए और फिर बताइए कि यहाँ पे पहुँचने पे ये गलती हो रही है। तो वो कभी वो गलती नहीं करेगा, क्योंकि जब हम एक बार गलती कर देते हैं तो हमें वो हमेशा याद रहती है, और अगर हम पहली बार ही सही रास्ते पे चले जाएं तो हो सकता है कि हम फिर गलती कर सकते हैं। वो तो
डिस्कशन मेथड में क्या ध्यान दिया जाता है कि बच्चे से बोला जाता है कि आप बताइए इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, लेकिन ये मेथड वहाँ पे पॉसिबल नहीं होती है जहाँ पे टाइम लिमिट रहती है। भाई हमें 1 घंटा दिया गया है, सेमेस्टर में इतने लेक्चर्स हैं, उतने लेक्चर्स में सिलेबस कंप्लीट करना है, तो वहाँ ये मेथड पॉसिबल नहीं होती है कि हम डिस्कशन करते रहें, एक क्वेश्चन लिखा और बच्चे से पूछा बताइए कैसे करना है, आगे ले गए और आगे फंस गए, फिर उसे मिटा के बोले कि देखिए यहाँ जाएंगे तो ये गलती होगी, हमें ऐसे नहीं जाना, दूसरा अप्रोच देखते हैं। तो ये हो गई डिस्कशन मेथड। तो डिस्कशन मेथड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम। टाइम अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो ये मेथड भी बहुत इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो डिस्कशन मेथड को हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो देखिए लेक्चर मेथड पे तो आप कम ही जाइए, अगर आप क्वेश्चन आंसर मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड क्या है, लेक्चर मेथड का ही इम्प्रूव वर्जन है कि आप लेक्चर दीजिए और या तो बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहिए या फिर आप लास्ट में क्वेश्चन पूछिए और उनके आंसर दीजिए कहाँ गलती कर रहा है, या फिर घर के लिए आप असाइनमेंट दे दीजिए। दूसरा, अगर आप डिस्कशन मेथड पे जा पाते हैं, अगर आपके पास टाइम बहुत है तो डिस्कशन मेथड तो बेस्ट है। एक लास्ट जो मैं मेथड, वैसे तो टीचिंग की इतनी सारी मेथड्स हैं, आपको एक से एक बेस्ट टीचर मिल जाएंगे हमारे देश में भी और बाकी कंट्रीज़ में भी जिनके पास एक से एक बेस्ट मेथड्स होती हैं, लेकिन एक जो मेथड है जो वो बहुत काम आ सकती है आपको, दैट इज़ कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पॉसिबल तभी है जब आप जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो चीज़ प्रैक्टिकली आपके पास रखी हुई हो। जैसे मान लीजिए मैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पढ़ा रहा हूँ, CRO, और CRO मेरे पास रखा हुआ है तो मैं इस मेथड से समझा सकता हूँ कैसे। अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड देखिए होती क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का मतलब होता है कि आप किसी भी पार्ट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में समझा रहे हैं, आप समझाइए और तुरंत उसे वो दिखाइए करके, मतलब समझाना और करके दिखाना। मान लीजिए CRO पे आपको वेवफॉर्म बनाना है और वो आपको एक लेक्चर है कि CRO पे कैसे कैसे वेवफॉर्म जनरेट हो, कैसे कैसे दिखाई जाती हैं वेवफॉर्म, फंक्शन जनरेटर से जनरेट किया वेवफॉर्म को और CRO पे हमें शो करना है वेवफॉर्म को CRO की डिस्प्ले पे। तो ये हम बहुत अच्छे से समझाए जा रहे हैं कि किस टाइप की वेवफॉर्म, कैसे हमारी सर्कुलर आएगी और कैसे इलिप्स बनेगी और कैसे स्ट्रेट लाइन बनेगी और कैसे बाकी लीसाजेस प्लॉट्स वगैरह कैसे बनेंगे, ये हमने सब समझा दिया और बच्चों को थ्योरी समझ में भी आ गई, लेकिन थोड़े टाइम के बाद भूल जाएगी। क्योंकि अगर आप CRO की बात करोगे तो इतने सारे स्विचेस होते हैं उसमें कि अब अगर आप देखोगे ना, जिन्होंने CRO पढ़ा होगा आप जाके CRO को सामने से देखना, अगर नहीं देख पा रहे हो, आपके पास है नहीं, तो आप ज़रा नेट पर देखना, उसमें इतने सारे स्विचेस होते हैं, आप सोचोगे कि हमने जो थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी से तो हम CRO से ऑन ही नहीं कर पाएंगे, CRO की डिस्प्ले पे वेव्स लाना तो बहुत बड़ी बात है, आपको यही समझ में नहीं आएगा कौन से स्विच को ऑन करना है, कौन से स्विच को ऑफ करना है। तो कोई भी चीज़ अगर आप समझा रहे हो तो उसके लिए सबसे अच्छी मेथड है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। लेकिन ये कब इफेक्टिव है, जब आपके पास वो चीज़ हो, प्रैक्टिकली वो चीज़ आपके पास पॉसिबल है तो आप क्या करो, वो समझाओ, समझाने के बाद वो करके बताओ, फिर समझाओ, करके बताओ। लाइफ में कभी नहीं भूलने वाला व्यक्ति, जो चीज़ करके देखता है बच्चा वो कभी नहीं भूलता है। अब मैक्सिमम कॉलेज की प्रॉब्लम रहती है कि सारे इंस्ट्रूमेंट या सारे इक्विपमेंट तो वहाँ पे नहीं होते हैं, जब नहीं होते हैं तो भैया ये मेथड पॉसिबल कैसे है। तो अगर आप चाहते हो कि ये नहीं है फिर भी हम इस मेथड पे काम करना चाहते हैं तो एक बोलते हैं वर्चुअल लेबोरेटरी। वर्चुअल लेबोरेटरी कोई जादू नहीं है, आपको क्या करना है, अगर आपके पास एक कंप्यूटर भी है, इंटरनेट फैसिलिटी है तो आपका काम बन जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसका वीडियो यूट्यूब पर ना डाला हो। तो आपको क्या करना है, YouTube पे वो चला के दिखा देना है कि कैसे काम करता है। आप CRO की भी बात करो तो CRO का भी एक एक स्टेप आपको YouTube पे दिख जाएगा। तो वर्चुअल लेबोरेटरी की सहायता से आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो ध्यान रखना, हमें पता है नॉर्मली लोग लेक्चर मेथड का यूज़ करते हैं, वन वे कम्युनिकेशन तो कोई नहीं करता, ये तो मुझे पता है, बहुत ही कम होगा कि वन वे कम्युनिकेशन करते होंगे, अदरवाइज इतना तो है कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो पूछ लेते होंगे बेटा समझ में आ गया कि नहीं। तो वन वे कम्युनिकेशन तो बिल्कुल भूल जाइए, लेक्चर मेथड को थोड़ा सा इम्प्रूव कर दीजिए कि टू वे कम्युनिकेशन
अगर डिस्कशन नहीं भी पॉसिबल है तो एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर और असाइनमेंट इतना तो कर ही दें, और उसको अगर और इम्प्रूवमेंट करना है तो हमने बताया है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज़ दी बेस्ट मेथड। तो इस और भी बहुत सारी मेथड्स हैं, आप प्रेजेंटेशन करते हो जो पीपीटी की बात करते हो ना, वो भी एक टाइप से डेमोन्स्ट्रेशन आ सकती है, उसमें वर्चुअल लेबोरेटरी डाल दें। भाई देखिए पीपीटी पे आप वो चीज़ दिखा दो और यहाँ पे समझा दो, तो वो भी एक टाइप से डेमोन्स्ट्रेशन का ही रूप हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है कि एक्चुअली प्रैक्टिकल करके बताना, तो कई कॉलेजेस में ये प्रॉब्लम हो सकती है। मैं भी समझ सकता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट वो नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वर्चुअल लेबोरेटरी का यूज़ कीजिए, इंटरनेट पर वो चीज़ दिखाइए और बहुत ही आसानी से मिल जाता है। हम लोग पता नहीं क्यों ध्यान नहीं देते हैं। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ रहा है या फिर कोई इंजन होता है ना, डीजल इंजन पेट्रोल इंजन पढ़ रहा है, उसको आप थ्योरी समझाओगे तो कई बार समझ में नहीं आएगा कि उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। अगर आप उसका वीडियो चला दोगे ना तो क्लियरली उसे दिखाई देगा कि उसमें कंप्रेशन कब हो रहा है, एक्सपेंशन कब हो रहा है, कौन कौन से स्टेप्स हैं। ये मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैकेनिकल में आएगा ये वाला पोर्शन जो मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक्चुअल में करके नहीं दिखा सकते हैं तो वर्चुअल लेबोरेटरीज में करके दिखाइए। तो ध्यान रखिएगा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज दी बेस्ट टीचिंग मेथड, ऑल्सो बेस्ट लर्निंग मेथड। थैंक यू सो मच। आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको शेयर जरूर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। आपको लगता है कि हमारे वीडियो नॉलेजेबल हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, जिससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। गुड लक।